Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. It's your English week class and today we will do the unit number 3. And the unit number 3 is about the similes. ठीक है, हमारा new topic है and this is about the similes. Similes क्या होता है बेटा? It's a figure of speech or it's a parts of speech. ठीक है, that makes a comparison. ऐसा word, एक ऐसा part of speech जो हम comparison में use करते हैं, उसको हम सिमिलीज कहते हैं. जिस तरह से इंग्लिश ए में हम पढ़ रहे थे कि अपेयरेंस ऑफ जीनी, तो उसमें था कि ही वॉज एज टॉल एज माउंटेन, यानी कि वो इतना टॉल था जैसे कि एक माउंटेन है. तो ये हमने कंपैरिजन शो किया, यानी कि उसको जीनी को माउंटेन से कंपेयर किया था कि माउंटेन की तरह से वो टॉल था. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ सिमिलीज. इट इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन. हम किस लिए यूज करते हैं सिमिली? क्या है? इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच का एक पार्ट है. दैट मेक्स कंपैरिजन. हम किस लिए इसको यूज करते हैं? कंपैरिजन के लिए, मुकाबला, कंपेयर करने के लिए. शोइंग सिमिलैरिटीज बिटवीन टू थिंग्स, या किसी दो चीज में सिमिलैरिटीज शो करनी है. जिस तरह जीनी था टॉल था, टॉल एक चीज है और कंपैरिजन शो किया है, सिमिलैरिटी शो किया है कि एक जीनी टॉल है, एक माउंटेन टॉल है. ठीक है, तो सिमिलैरिटीज शो करता है दो चीजों के दरमियान. शोज द सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स और यू कैन से इट मेक्स अ कंपैरिजन. आगे देखिए, इन डिस्क्राइबिंग थिंग्स वी ऑफन से दे आर लाइक समथिंग. जब हम किसी चीजों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, हम कहते हैं ना कि ये उसकी तरह की है, उस लाइक दिस वन. ठीक है, स्पेशली इफ यू वॉन्ट टू मेक आर डिस्क्रिप्शन मोर क्लियर एंड अट्रैक्टिव. जब हम अपनी डिस्क्रिप्शन को और ज्यादा क्लियर और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं ना कि कंपैरिजन यूज करते हैं. जैसे कि हमने किया था, जैसे जीनी की है, अगर बात करें कि ही वॉज एज टॉल एज अ माउंटेन, यानी कि हमने अपनी डिस्क्रिप्शन को और क्लियर कर लिया कि जीनी टॉल है एज अ माउंटेन एंड एज फियर्स एज अ टाइगर. टाइगर की तरह फियर्स है, यानी कि हम अपने अपने डिस्क्रिप्शन को और ज्यादा क्लियर किया है, इसको इंटरेस्टिंग बनाया है, तो इट्स कॉल्ड सिमिलीज. ठीक है, नाउ लुक एट द सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, व्हेन देयर इज अ लाइट, व्हेन समथिंग इज वेरी लाइट, लाइट इन अ वेट, जब एक चीज बहुत ज्यादा वेट में हल्की होती है, लाइट इन वेट, तो हम क्या कहते हैं, वो इसे इट इज एज लाइट एज अ फेदर, कि एक जिस तरह फेदर हल्का होता है उस तरह से वो उस तरह से लाइट है. यानी कि दिस पेपर इज एज लाइट एज अ फेदर, यानी कि पेपर एक फेदर की तरह हल्का है. ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग सिमिलीज एंड देन स्टडी देम वेल. आगे आपके पास कुछ सिमिलीज और दी हुई हैं एग्जांपल्स के साथ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे फर्स्ट वन इज एज वाइट एज अ मिल्क. इफ समथिंग इज वाइट and you want to make it more clear ke how excuse me how white it is, so you can say that it is the my shirt is as white as a milk. meri shirt jo hai, shirt color is as white as a milk. jis tarah bilkul ya wo to chale skin tone ke liye to fair use hota hai. theek hai, yani ki koi cheez itni white hai jaise milk hai, white, to uske liye hamari ye, that is called a simile. humne compare kiya, humne comparison show kiya do cheezon ka. ठीक है, मिल्क के साथ के जो भी चीज थी हमने उसको मिल्क के साथ कंपेयर किया कि इस तरह से है. ठीक है, नंबर टू है एज बिजी एज अ बी. व्हेन समवन इज वेरी बिजी वी कैन से दैट ही इज एज बिजी एज अ बी. जिस तरह एक बी है कंटिन्यूसली वो बिजी रहती है फ्लाइंग में और इन सब चीजों में, तो उस तरह से ऑब्वियसली बी हमेशा उड़ती रहती है, बिजी होती है, तो वी कैन से दैट एज बिजी एज अ बी. नंबर थ्री इज as round as a ball. if something is round like round what kya kya ho sakta hai, yani ki koi bhi cheez wo abhi bahut zyada round hai, jaise ki this example abhi mere mind mein example nahi aa rahi koi round cheez ki. ठीक है, तो कोई भी चीज बहुत ज्यादा राउंड है, तो वी कैन से दैट एज राउंड एज अ बॉल. जिस तरह एक बॉल राउंड होती है, तो उस तरह से किसी भी चीज को आप राउंड से कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, नंबर फोर्थ इज एज ब्लैक एज अ क्रो.
माई बैक कलर इज एज ब्लैक एज अ क्रो. कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ब्लैक, आपने ब्लैक को कंपेयर किया है क्रो के साथ, कि जिस तरह से क्रो एक ब्लैक होता है इन कलर, तो उसी तरह आप किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड अ, दे आर कॉल्ड सिमिलीज. इनको हम क्या कहते हैं, सिमिलीज. नंबर फिफ्थ वन इज एज ब्रेव एज अ लायन. इफ समवन इज ब्रेव तो वी कैन से ना कि अली इज एज ब्रेव एज अ लायन. अली इतना ब्रेव है जैसे कि एक लायन ब्रेव होता है. ठीक है, एज ब्रेव एज अ लायन. एंड द नेक्स्ट वन इज एज पंक्चुअल एज अ क्लॉक. जिस तरह से क्लॉक पंक्चुअल है, कभी उसने अपना टाइम मिस नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना, स्किप नहीं करना, तो एज पंक्चुअल एज अ क्लॉक. इफ समवन और इज पंक्चुअल देन वी कैन से दैट एज ही इज एज पंक्चुअल एज अ क्लॉक. ठीक है, आई होप कि आपको सिमिलीज की समझ में आ गई होगी. नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द ग्रामर एक्टिविटी. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर वन? पिक आउट द करेक्ट सिमिलीज फ्रॉम द फॉलोइंग एंड अंडरलाइन देम. हियर वी हैव सम सिमिलीज इन द ब्लैंक्स इन द वर्ड ऑप्शंस. वी हैव सम ऑप्शंस. यू हैव टू पिक द करेक्ट वन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. अब द फर्स्ट वन इज, ओके, द फर्स्ट वन इज एज सॉफ्ट एज. अब सॉफ्ट चीज क्या होती है, हमने सॉफ्ट को कंपेयर करना है किसी सॉफ्ट चीज से, ऑब्वियसली ऑब्वियस. अब इसमें सॉफ्ट क्या हो सकती है, एज सॉफ्ट एज अ वूल, एज अ पेटल और एज अ सिल्क. तो सिल्क सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, तो वी कैन से दैट एज सॉफ्ट एज अ सिल्क, एज सॉफ्ट एज अ सिल्क. नंबर टू इज एज स्वीट एज अ केक, एज अ हनी और एज एन एप्पल. तो विच इज मोर स्वीट इन द स्वीटेस्ट इन दीज, हनी. एज स्वीट एज अ हनी. सो वी हैव अ करेक्ट सिमिली एज स्वीट एज अ हनी. नंबर थ्री इज एज गुड एज अ डैश, कैबेज, ट्री और गोल्ड. गोल्ड एज गुड एज अ गोल्ड. जिस तरह गोल्ड अच्छा होता है, सॉलिड, खूबसूरत, ब्यूटिफुल, इसी तरह से एज गुड एज अ गोल्ड. नंबर फोर इज एज लाइट एज अ डैश. लाइट मीन्स लाइट इन वेट. एज लाइट एज अ फ्लावर, एज अ लीफ और एज अ फेदर. एज अ फेदर. नंबर फिफ्थ इज एज ब्रेव एज अ, ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व दे दिया हुआ है, एज ब्रेव एज अ लायन. इसमें करेक्ट वन क्या है, एज ब्रेव एज एन एलिफेंट, एज अ लायन और एज अ लेपर्ड. एज ब्रेव एज अ लायन. ओके, सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर टू इज कंप्लीट द फॉलोइंग सिमिलीज. अगेन गोल्ड को हम क्या करेंगे, एज डैश एज गोल्ड, एज गुड एज गोल्ड, कि जिस तरह गोल्ड गुड है उस तरह से, एज गुड एज गोल्ड. नंबर टू इज नंबर टू इज एज डैश एज अ, यहाँ पे लीड नहीं है, आई थिंक एज हैवी एज अ मेटल. यहाँ पे द करेक्ट वर्ड इज मेटल. आपके होमवर्क्स में आई डोंट नो लीड लिखा है कि क्या लिखा है, यहाँ पे मेटल आएगा. एज हैवी एज अ मेटल, जिस तरह मेटल हैवी होता है उस तरह से. ठीक है, एज हैवी एज अ मेटल. इट मेक्स आवर स्पीच मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर क्लियर. इसका ये यूज क्यों है, व्हाई वी यूज इट, इट मेक्स आवर स्पीच मोर क्लियर एंड इंटरेस्टिंग. दैट्स व्हाई वी यूज सिमिलीज इन आवर स्पीच. नंबर थ्री इज एज डैश एज अ वुल्फ. तो एज जिस तरह से वुल्फ इज ऑलवेज हंगरी, सो एज हंगरी एज अ वुल्फ. व्हाट कम्स हियर, एज हंगरी एज वुल्फ. नंबर फोर एज डैश एज अ नीडल. नीडल किस तरह से होती है, बारीक सी, थिन सी, तो एज थिन एज अ नीडल, एज थिन एज अ नीडल. नंबर
नंबर नेक्स्ट इज एज डैश एज पैनकेक्स. पैनकेक्स कैसे होते हैं? स्वीट होते हैं, तो एज स्वीट एज पैनकेक्स. एंड नंबर सिक्स वन इज एज डैश एज अ क्यूकम्बर. क्यूकम्बर कैसा होता है? कूल होता है. यू फील रिफ्रेशिंग आफ्टर इट. रिफ्रेश्ड, यू फील रिफ्रेश्ड. तो एज कूल एज क्यूकम्बर यहाँ पे क्या आएगा? क्यूकम्बर के साथ जो हम कंपेरिजन कर रहे हैं, कूलनेस, एज कूल एज अ क्यूकम्बर. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we will do the next one as well. Question number 3 is fill in the blanks with the most suitable of the following words of the words given below. Here we have some words, we have to fill the blanks with the most suitable words. Read the question. The most suitable, theek hai? Proud, fresh, heavy, smooth, slow, bitter, quick and black. The first one is as dash as a snail. Ab snail kis tarah se hota hai? Snail slow move karta hai, to hum yahan pe kya hamare the best option hogi slow as a snail. Theek hai? Number 2 is as dash as a daisy. Daisy flower is always a fresh. To hum jis tarah se daisy hota hai, fresh flower hota hai, to hum so suitable option hai. Here comes fresh as daisy. Number 3 as dash as a coal. Coal kis tarah se hota hai? Black hota hai. So the most suitable option is black as a coal. Number 4 is as dash as a peacock. Peacock, it's a common saying, peacock is a proud bird. So peacock ke saath hum yahan hamare comparison ke liye kya word use karte hain? Proud as a peacock. As proud as a peacock. The correct option is proud as a peacock. Number 5th is as dash as lightning. Lightning kis tarah se hoti hai? Bahut quick hoti hai. Foran se uska flash hota hai, visible ho jata hai. To as quick as lightning. The correct option is quick as lightning. Number 6th is as dash as velvet. जिस तरह से velvet बहुत smooth होती है, तो उस तरह से हमने यहाँ पे किसी भी चीज को compare करने के लिए हम कहेंगे as smooth as velvet. Number 7, as dash as a lead. Again यहाँ पे lead नहीं है, metal है. As dash as a metal. जिस तरह से metal heavy होता है, इस तरह से as heavy as metal. And the number 8th one is as bitter as a gall. Just, ठीक है, यानी के कड़वा. Bitter means कड़वा. और ठीक है बेटा, it's all के about the similes. ठीक है, आई होप कि आपको इसकी समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट टुमारो विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन.